धरना प्रदर्शन कर जिस सरपंच पति के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे, उसे सरपंच पति और भाजपा नेता विजेंद्र यादव ने बुधवार को थाना बेटमा में पेश होकर अपनी बेगुनाही के सभी सबूत मई दस्तावेज के थाना प्रभारी मीना कर्णावत को सौंपे हैं। साथ ही अखिल भारतीय यादव समाज ने भी एक ज्ञापन थाना प्रभारी मीना कर्णावत को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्तिगत विवाद को सामाजिक विवाद में बदलने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर गांव के ही राहुल पिता देवीलाल वसुनिया ने यादव समाज के खिलाफ अनर्गल झूठी बातें पोस्ट की थी, जिसमें समाज का आपसी ताना बाना प्रभावित हुआ है। साथ ही यादव समाज व आदिवासी समाज के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई है। एक निजी विवाद को सामाजिक विवाद के तौर पर पेश किया गया। यादव समाज हमेशा से सामाजिक समरसता को लेकर काम करते आया है। घटना को लेकर की गई पोस्ट से समाज की छवि धूलमिल करने का प्रयास किया गया है। आईटी एक्ट सहित शांति भंग करने के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। वहीं सरपंच पति और भाजपा नेता विजेंद्र यादव ने घटना वाले दिन के सभी दस्तावेज सीसीटीवी फुटेज पेश किए। विजेंद्र यादव ने बताया कि शिवलाल पिता रतन सिंह गांव में अवैध शराब बिक्री का काम करता था, जिसको पत्र क्रमांक 145 के माध्यम से 22 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जवाब का जवाब नहीं देने पर 28 अप्रैल को बेटमा थाने में लिखित शिकायत भी की गई थी। खिन्न उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ अपने परिवार के लोगों द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। मैंने मेरे सभी दस्तावेज मई सबूत सीसीटीवी फुटेज आदि पेश कर दिए हैं। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मामला ये था मैडम कि वो अवैध शराब बेचता, उसकी शिकायत भी मैंने कर रखी थाने में, और एक विवाद भी हुआ था हमारे परिवार के लोगों से, व्यक्ति वो मेरे जीवन पर लगा वो रिपोर्ट भी सब खड़ा नहीं होती। अवैधन अपराधी से मिला, एक विवाद हुआ था 14 के अंदर, व्यक्तिगत विवाद हुआ था हमारे आदिवासी परिवार से कुछ हमारे लोगों के मध्य, और विवाद भी हो गया था यहाँ पुलिस थाने में, उसकी रिपोर्ट भी हो गई थी और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी शासन की तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ। परंतु उसके बाद में कुछ लोगों ने वहाँ आदिवासी समाज के एक राहुल करके लड़का, उसने सोशल मीडिया पर ये फैलाया कि इस विवाद में वहाँ का सरपंच पति भी इसमें इन्वॉल्व है झगड़े में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और वहाँ एक लड़की को सिखा कर लाया और उसने मेरे खिलाफ़ बयान दिया कि सरपंच पति ने मेरे को छेड़ा, मेरे साथ छेड़खानी की, मारपीट की है, कि जब वास्तविकता है कि वृद्धि में वहाँ था ही नहीं। जिला पंचायत में मीटिंग चल रही थी जल जीवन मिशन के तहत, तो मैं और हमारे सचिव महोदय को लेकर मैं गया था, और एक खतौत में भी काम था लाडली बहना से संबंधित समस्या हुई, तो उस लोग मेरी लोकेशन उधर की थी। मेरे को कॉल आया खतौत में कि आप कहाँ हो, गाँव में झगड़ा हो गया, तो मैंने डायरेक्ट थाने पर फोन लगाया कि मैडम आप व्यवस्था संबंधी देखिए, वहाँ पर झगड़ा हो गया है। वहाँ होते हुए मैं हथौत गांधीनगर और अपने एयरपोर्ट से पलटते हुए नावदा होते हुए यहाँ पर आया हूँ, तो मैडम ने मेरे पूरे साक्ष्य दे दिए हैं मैं सबूत सीसीटीवी के, कि मैं वहाँ जो झूठा आरोप मेरे पर लगाया गया है, क्योंकि ये भी मेरी इमेज का सवाल है, मेरी इमेज ख़राब की गई है इसके माध्यम से। अलग अलग वीडियो आए लड़के के, उसकी आंटी के, उसकी शिवलाल करके है उसकी लड़की है वो, अन्नू पिता शिवलाल करके, मेरे ऊपर वो झूठा आरोप एस्ट्रोसिटी के तहत केस 164 धारा के तहत मेरे ऊपर केस, जबकि इस मामले में पूरा मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसको लेकर हमने आज थाना प्रभारी मैडम को हमने ज्ञापन दिया है, तो मेरा निवेदन है प्रशासन का हमारे साथ न्याय हो और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। निष्पक्ष जाँच क्या मांगा? जी हाँ, बराबर निष्पक्ष जाँच, अगर मैं गलत हूँ, मैं दोषी हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और इन जो लोगों ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, एक व्यक्तिगत झगड़े को आदिवासी वर्सेज यादव बनाने का प्रयास किया है, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये इन लोगों के खिलाफ ऐसे कार्रवाई हो ताकि ये भविष्य में से कार्य ना करें। आपने भी देखा होगा थाने के उस दिन यह मामला हुआ था, मेरे खिलाफ भी नारे लगे, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का बोला, मैं सबूत सीधे सौंप दी है प्रशासन को, मैं SDO की मैडम को भी देने जा रहा हूँ और SP ग्रामीण को भी दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।